दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अंतरिक्ष के बारे में। अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, तभी तो इन रहस्यों को सुलझाने के लिए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के मिशन पर जाया करते हैं। लेकिन अनंत अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट आखिरकार जाते कहाँ हैं? आपके मन में यह सवाल कभी ना कभी जरूर उठा होगा। इस सवाल का जवाब है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे खास तौर पर इंसानों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए बनाया गया है। आइए अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि अंतरिक्ष स्टेशन होता क्या है। अंतरिक्ष स्टेशन को ऑर्बिटल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेशन को खास तौर पर इंसानों के रहने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें, यह अंतरिक्ष में मानव निर्मित एक ऐसी स्टेशन है जिससे पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यान जाकर मिल सकता है। यह स्टेशन एक प्रकार के मंच की तरह काम करते हैं, जहां से पृथ्वी का सर्वेक्षण किया जा सके तथा आकाश और अंतरिक्ष के रहस्य को मालूम किया जा सके। 1998 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ। पहले इसे सिर्फ 15 सालों के लिए अंतरिक्ष में रखने की बात की गई थी, लेकिन एक करारे के बाद इसका इस्तेमाल 2020 तक कर दिया गया। 2003 में शटल यान कोलंबिया हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद नासा ने ISS को खाली छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन बाद में स्टेशन पर हर वक्त अंतरिक्ष यात्री रखने का फैसला किया गया। इस स्पेस स्टेशन को बनाने में 16 देश शामिल हैं, जिनमें से कुछ देश हैं अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान, बेल्जियम, ब्राज़ील, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और UK। यह स्पेस स्टेशन धरती के ऑर्बिटल पर 5 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है। इसका मतलब है कि यह स्टेशन हर 90 मिनट में हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। स्पेस स्टेशन 357 फीट में पर बना हुआ है, जो एक फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा है। इस स्पेस स्टेशन का वजन है लगभग 4,20,000 किलोग्राम। यह 320 कारों के वजनों के बराबर है। अंतरिक्ष के रहस्य को पता लगाने के लिए बने इस स्पेस स्टेशन को लगभग $120 बिलियन में बनाया गया है। पूरे स्टेशन में सिर्फ 2 बाथरूम हैं, अंतरिक्ष यात्री और प्रयोगशाला के लिए जानवरों का यूरिन फिल्टर होकर फिर से स्टेशन के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में चला जाता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री को पानी की कमी नहीं झेलनी पड़ती है। ISS में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।